नमस्कार, हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स में आपका स्वागत है। सृष्टि की संरचना हुई। परमेश्वर ने वनस्पतियां, मानवेतर जीव जंतु तथा अंततः मानवीय जीव की सृष्टि की। किंतु जीव तथा परमेश्वर का अर्थ क्या है? यह प्रश्न स्वाभाविक है। जीव का अर्थ है अपने होने की प्रतीति। बिना नाम का भी जीव होता है। अनर्थ, आकाश, वृक्ष, पादप इत्यादि सृष्टि हैं, जिनकी उत्पत्ति पंच महाभूतों से होती है, नित्य नूतन प्रतीत होने वाले मूल तत्वों से। पौराणिक साहित्यों में सृष्टि से आगे के समय को चार मुख्य खंडों में विभक्त किया गया। सृष्टि के प्रारंभ में वन्य युग था। उस समय में सभ्यता का विकास नहीं हुआ था। लोग नदी, तालाब, पर्वत के समीप निवास करते थे। वे इच्छा, द्वेष, सुख, दुख आदि द्वंद्वों से रहित थे और कंदमूल द्वारा उनके क्षुधा की निवृत्ति होती थी। यौवन स्थिर रहता था। उस सतयुग में लोग 400 वर्ष तक जीवित तथा निरोग रहते थे। इसके पश्चात स्वयंभू मन्वंतर आया, जिसमें सुशिक्षित याम नामक देवता हुए। इसमें याम तृप्तिमंत, तुष्यमंत एवं वज्रकुल भेद से तीन प्रकार के थे। तृप्तिमंत 12 थे, तुष्यमंत शासक थे तथा वज्रकुल वैश्य एवं दास वर्ग के थे। कालांतर में तीनों लुप्त हो गए और मणिजा नामक अन्य वर्ग उदित हुआ, जिनकी स्थिति उत्तर दिशा में हिमालय से उत्तर सागर पर्यंत थी। इसके दो भाग थे, पूर्ववासी एवं वनवासी। वनवासी पशुवृत्ति वाले असभ्य थे और अनार्य तथा बर्बर कहलाते थे। पूर्ववासी मणिजा सभ्य थे, जो आर्य कहलाते थे। ये चार भागों में विभक्त थे। पहला साध्य अर्थात ब्राह्मण, दूसरा महाराजिक अर्थात क्षत्रिय, तीसरा आभास्वर अर्थात वैश्य एवं चौथा तुषित अर्थात शूद्र। यज्ञ कर्म में लिप्त साध्य कहलाए, जिन्होंने यज्ञ विधि की परिकल्पना की और वे स्वर्ग के एक प्रदेश नाग संज्ञक में यज्ञ करते थे। इन लोगों ने यज्ञ विधि का ज्ञान कराने वाले यज्ञ वेद ग्रंथों की रचना की। इन्होंने ब्राह्मण, उपनिषद, रहस्याख्यान, इतिहास पुराणों की भी रचना की। इसी प्रकार के अपडेट्स लेते रहने के लिए हमारे चैनल हिंदू रिचुअल्स को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को क्लिक करना ना भूलें। धन्यवाद।